सो गाइस, आप लोगों का पीसी धीरे चलता है, बूट भी वो स्लो होता है, और बड़ी बड़ी ऐप्स चला लेते हैं जैसे फोटोशॉप हो गया वगैरह, तो बहुत ही धीरे चलती है। विंडोज़ बहुत ख़राब है ना गाइस, क्योंकि विंडोज़ बहुत स्लो चलता है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें ज़्यादातर जगह में प्रॉब्लम विंडोज़ की नहीं होती है और ना ही आपके सीपीयू की होती है। बेसिकली जो दोस्तों 80% चांसेस में जो होता है उसमें ये होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसका 100% यूज़ हो जाता है, लाइक 100% भरना नहीं बल्कि उसका जो यूटिलाइजेशन होता है उस वक्त वो 100% हो जाता है। गाइस आप लोगों को पता होगा कि जब हम पीसी को बूट करते हैं तो मल्टीपल फाइल्स एक साथ लोड होती है, इस वजह से दोस्तों हार्ड डिस्क जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं लोड कर पाती है सारी फाइल्स को। तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि कैसे आप अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क के साथ साथ SSD भी लगा सकते हैं। SSD बहुत फास्ट होती है गाइस, बहुत हल्की भी होती है, लाइक मैंने जब उठाया था तो बहुत हल्की थी। तो गाइस एनीवेज इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे दोनों को एक साथ अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा वेस्टर्न डिजिटल की 240 GB की SSD और एक कैडी जिसको मैं लगा के और आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने PC को सुपर फास्ट स्पीड में चला सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूँ अमन डांगी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2D टेक वीडियोस। सो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने SSD और कैडी मंगवा ली है अमेजोन से। SSD है मेरे पास वेस्टर्न डिजिटल की 240 GB की। तो गाइस इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, तो आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। कैडी मुझे पड़ी है 350 रुपीज़ की और गाइस SSD मुझे पड़ी है 2400 की, मतलब काफ़ी अच्छी कॉस्ट पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैडी के ऊपर मैंने इसके अंदर जो मेरा जो DVD का लैपटॉप में आया था कवर, जो आगे का फ्रंट पैनल रहता है दोस्तों, वो मैंने इस पर लगवा दिया है और पीछे का स्क्रू रखने का भी लगा दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी के पूरी लेमिनेटेड है, तो मैंने इसमें लेमिनेशन उतार दी है ताकि मैं इसे फाइनली असेंबल कर सकूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके साथ दोस्तों कैडी के साथ मेरे पास 4 स्क्रूज़ भी मिलते हैं। सो गाइस बेसिकली ये वेस्टर्न डिजिटल की SSD है 240 GB की, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये बहुत ही फास्ट है, लाइक मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, मतलब मेरा जो डे टू डे का जो वर्क था वो गाइस बहुत ही फास्ट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे इसे इस कैडी के अंदर। सो बेसिकली दोस्तों इस कैडी के अंदर हमें लगाने के लिए सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा गाइस इसमें ब्लैक कलर का जो ये पेपर लगा हुआ है दोस्तों इसे हम निकाल देंगे। अब गाइस हम इसे SSD को थोड़ा सा लाइक 45 डिग्री 30 डिग्री पे टिल्ट करके फिर लगाएंगे और नीचे से थोड़ा सा पुश कर देंगे ताकि सॉकेट में लग जाए। बेसिकली दोस्तों आपको सॉकेट में लगाने के बाद इसके अंदर एक क्लिक की आवाज़ आएगी, मतलब ये लग चुकी है अच्छे से। तो गाइस एक आपको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले आपको इसको यूज़ करने के लिए पहले अपने हाथ पे जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है बेसिकली आप उसे डिस्चार्ज कर लें ताकि इसे कुछ डैमेज ना हो। तो गाइस अब हम लोग ये 4 स्क्रूज इसके अंदर लगाएंगे। बेसिकली इसके अंदर गाइस कैडी के अंदर 4 स्क्रूज, एक स्क्रू ड्राइवर छोटा सा और एक कैडी आती है। तो गाइस हम ये स्क्रू ड्राइवर तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक नहीं है, मेरे पास एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर का पूरा केस पड़ा हुआ है, तो बेसिकली हम वो यूज़ करेंगे ताकि ईजिली स्क्रूज लग जाए। गाइस वो स्क्रू ड्राइवर का सेट भी मेरे को बहुत सस्ते में मिला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर है। दोस्तों इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसकी लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं, उसे परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसकी 4 स्क्रूज लगा दिए हैं, मतलब ये अच्छे से टाइट हो जाना चाहिए ताकि जो अपना जब हम इसे लगा के और फिर छोड़ दें तो ये कहीं ना कहीं ढीला ना हो जाए इस वजह से। सो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा अभी हमने कैडी के अंदर SSD को फिट कर दिया है, मगर दोस्तों अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी केवल स्टेप 1 पूरी हुई है। तो गाइस अब हम इस कैडी को अपने लैपटॉप में लगाएंगे, तो आगे देखिए कैसे हम इसे फिट करते हैं। अब हमारी जो असेंबल हो गई है दोस्तों बेसिकली हम इसे अपने लैपटॉप में लगा देंगे जैसे कि हम DVD ड्राइवर लगाते हैं, बहुत इजीली लग जाएगा। दोस्तों अगर ये कहीं स्टक हुए तो मतलब आप समझ लेना आपके स्क्रूज जो है ज़्यादा अच्छे से टाइट नहीं हुए, तो बेसिकली आप इन्हें अच्छे से टाइट कर ले ताकि ये ईजिली लग जाए। उसके बाद दोस्तों आप अपने लैपटॉप का जो DVD होल्डर स्क्रू रहता है बेसिकली उसे टाइट कर ले ताकि ये लग जाए। हमने सबसे पहले कैडी के अंदर SSD को लगाया, उसके बाद हम लोगों ने कैडी को भी हमने अपने लैपटॉप में फिट कर दिया। मगर अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट काम बचा है वो बेसिकली ये है कि हमें जो हमारा सी ड्राइव था उसे हमें अपने SSD के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो देखते हैं दोस्तों इसे कैसे कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्लोनिंग प्रोसेस। सो इस वीडियो को अब देखें हम आगे 3rd स्टेप के लिए। और हाँ दोस्तों बेसिकली मैं इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा, मतलब मैंने 3 सॉफ्टवेयर ट्राई किए हैं
और आप देखिएगा कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अब जो है हम हमारा लैपटॉप जो है उसे चालू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम माइग्रेट कर सकते हैं, लाइक पूरी सी ड्राइव को आप अपने SSD में डाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किए, AOMI पार्टीशन असिस्टेंट यूज़ किया, वेस्टर्न डिजिटल का जो है वो भी यूज़ किया, लेकिन गाइस फाइनली मुझे सक्सेस मिली है एज अस के इस पार्टीशन मास्टर से। बेसिकली ये फ्री एडिशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने इसमें एजस नाम का एक पार्टीशन मास्टर आता है उसे यूज़ किया, इसका फ्री एडिशन, और बेसिकली दोस्तों उसकी वजह से मैं अपना पूरा ट्रांसफ़र कर पाया हूँ सारा का सारा डेटा। बट दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इस ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़ें। और गाइस, आप अपने जो SSD है उसके अंदर विंडोज़ का क्लीन इंस्टॉलेशन करें, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना दोस्तों, जब अपना जो विंडोज़ पुराना वाला होता है ना वो बेसिकली हार्ड ड्राइव के हिसाब से कॉन्फ़िगर होता है, मगर दोस्तों जब हम इसे SSD में डाल देते हैं तो दोस्तों हमें SSD की सारी मतलब 70-80% से ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती। सो गाइस, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, फिर आपकी इच्छा। सो गाइस, आपको इसे डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर देंगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपकी जो ड्राइव्स है वो बेसिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो गाइस, आपको इसमें सेलेक्ट करना है माइग्रेट OS के ऑप्शन को, फिर दोस्तों उसके बाद आपको अपनी टारगेट डिस्क जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस करके बताया है। लाइक मेरे को यहाँ पे चेक कर लेना है SSD पे, और दोस्तों मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि मेरे को क्या साइज़ की SSD का सी पार्टीशन चाहिए। बेसिकली दोस्तों, अब मेरे इसमें 240 GB की है तो मैं इसे 120 GB देना चाहूँगा, तो मैं इसमें 120 GB यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सो गाइस, आपको फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों लॉक होने में टाइम लगेगा, आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, मगर हाँ ये इजी प्रोसेस है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मगर दोस्तों मैंने ये पूरा प्रोसेस किया और उसके बाद मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिकली इस माइग्रेशन के चक्कर में ना पड़े और आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे रीइंस्टॉल कर लें। तो गाइस, आपको ऊपर माइग्रेट पे एग्जीक्यूट टास्क पे क्लिक कर देना है ताकि आपका जो टास्क है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो बेसिकली दोस्तों, मैंने आपको माइग्रेट के लिए क्यों मना किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएगी, और दोस्तों फ्रेश इंस्टॉल रहता है वो हमेशा फास्ट रहता है, उसमें आपको 100% एफिशिएंसी मिल जाएगी। सो गाइस, उसके बाद आप लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रीबूट होगा आपका सिस्टम जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका आपको बता दिया है, आपको जैसा मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस करके बता रहा हूँ दोस्तों, आपको उसी हिसाब से करना है। दोस्तों, उसके बाद ये आपका PC जो है वो रीबूट होगा, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। फिर दोस्तों, उसके बाद स्टार्टअप के वक्त इसके अंदर कुछ प्रोसेस होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये मतलब मूविंग हो रहा है आपका सारा का सारा डेटा हार्ड डिस्क से SSD के अंदर। सो बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर आपको टाइम लगेगा, मेरी इसमें आधा से पौन घंटा लगा था, मैं आपको इसमें फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। तो गाइस, आप इसमें आराम से वेट कर लीजिए, थोड़ी चाय कॉफ़ी पी के आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। दोस्तों, उसके बाद आपका रीबूट होगा, और दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा रीबूट हो चुका है। जब मैं इसे वापस से विंडोज 10 पे बूट करूँगा तो बेसिकली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज दिखाएगा सक्सेस का कि आपका कंप्लीट हो चुका है, वापस से रीबूट होगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस था क्लोनिंग का वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारा PC होगा रीबूट। सो देखते हैं गाइस, उनका तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है कि लाइक बहुत फास्ट हो जाएगा, देखते हैं कैसा फास्ट होता है। तो करते हैं हम रीबूट अब। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम इसे वापस से रीबूट भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस टाइप से चालू होगा। दोस्तों, मैं आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको सामने स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, जब मैंने इसमें विंडोज 10 सेलेक्ट किया है तो ये कुछ इस टाइप से बूट हो रहा है। पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो गाइस, मैंने तो सोचा था कि बहुत फास्ट हो जाएगा, मगर ये तो बहुत ही स्लो बूट हो रहा है। मैंने इसके अंदर अपनी हार्ड डिस्क निकाल दी है, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि ये हार्ड डिस्क के वजह से बूट हो रहा था, नहीं तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने SSD खरीदी 2400 की और इसमें से कुछ भी नहीं निकला। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, हम अपने इसे वापस से रीबूट करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी फास्ट होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसको मैं आपके बताने वाला हूँ। सो गाइस, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हम वापस से इसे रीबूट कर रहे हैं। गाइस, कुछ इस टाइप का एक मैसेज लिखा हुआ आता है, हो सकता है दोस्तों आपके अलग अलग लैपटॉप पर अलग अलग मैसेज लिखा हुआ आए,
मगर दोस्तों अब आप देख सकते हैं बूट स्पीड, जब मैंने इसमें विंडोज 10 वापस से सेलेक्ट किया है तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। लाइक पहले से कंपेयर करें और दोस्तों उसके बाद तो मेरे को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो गाइस ये लॉक स्क्रीन लोड हो चुकी है। तो गाइस जब मैंने इसमें पेन डाला इसमें कुछ वेलकम लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं वाओ पूरा का पूरा जो है टास्क बार वगैरह हर चीज़ अच्छे से लोड हो चुकी है, मतलब कहीं कोई टाइम नहीं लगा है। तो बेसिकली अगर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप दोस्तों माइग्रेट ना करें, आप वापस से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि माइग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पुराना विंडोज़ रहता है उसकी कुछ ना कुछ फाइल हार्ड डिस्क के हिसाब से ऑप्टिमाइज रहती है, एसएसडी के हिसाब से नहीं रहती है। तो बेसिकली दोस्तों मैंने भी कुछ दिन बाद इस वीडियो के कुछ दिन बाद मैंने वापस से रीइंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सी ड्राइव शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें से अभी हार्ड डिस्क निकाल रखी है, तब तक इसमें से बूट हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं रीट्राइड स्पीड 18 Mbps 7 Mbps बहुत फास्ट चल रहा है। तो गाइस बेसिकली क्या होता है ना, जो मैंने जो इसमें सेटा जीरो पे हार्ड ड्राइव लगा रखी है, सेटा वन पे एसएसडी लगा रखी है, तो दोस्तों इसने जब सेटा जीरो डिटेक्ट करी तो दोस्तों इसने पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ लिया और इसने हार्ड ड्राइव से ही बूट कर लिया। मगर दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जो जहाँ आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है वहाँ आप लगाएं एसएसडी, और जहाँ एसएसडी लगाने वाले थे जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया वहाँ लगाएं हार्ड ड्राइव। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस करें आप अपने बूट लाइक अपने जो क्लोनिंग प्रोसेस है उसके बाद में, नहीं तो क्योंकि हार्ड ड्राइव से फिर नहीं तो बूट नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने देखा मेरा लैपटॉप जो है बहुत ही फास्ट बूट हो रहा है, लाइक फोटोशॉप मतलब मैंने बहुत यूज़ किया उसके बाद भी, मैंने तो वीडियो में थोड़ा सा ही बताया बूटिंग प्रोसेस, मगर ये बहुत ही फास्ट चलने लग गया है। लाइक मुझे मज़ा आ गया, मुझे ऐसा लगा कि यार इतना फास्ट हो सकता था तो मैंने पहले क्यों नहीं किया। एनीवेज दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो लाइक डेमोन्स्ट्रेशन कि आप कैसे अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव और एसएसडी दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, पसंद नहीं आई है लगा कि मैं पका रहा हूँ तो आप इसे डिसलाइक दे दें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।